अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज बाहर आके बैठा हूँ क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा हो रही थी गर्मी। तो ये कुछ पेपर्स हैं जो मैंने लिखे हैं, ये देख सकते हो तुम लोग। तो ये मैंने लिखा है जेंडर के बारे में, जेंडर चेंजेस जो पाकिस्तान में अभी रूल पास हुआ है ना, उसके बारे में। तो बेसिकली ये एक पेपर है और इस पर मैंने कुछ लिखा है, तो मेरा मुँह नीचे रहेगा पढ़ने के लिए, तो आप सब सुनते रहना। तो भाई मैंने लिखा है ट्रांसजेंडर रूल्स इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। सो बेसिकली ये एक पेपर है भाई जिस पे मैं लिखता हूँ, क्योंकि जो स्क्रिप्ट होती है ये मैंने लिखा है, मैं कहीं और ही निकल जाता हूँ बोलते बोलते, तो ये मैंने इसलिए लिखा है। अच्छा, कल है ना मैं गूगल पे एक न्यूज़ देखी मैंने, और ये थी वो कि उसमें पाकिस्तान में जेंडर चेंज करना अलाउ कर दिया है, जेंडर चेंज करना रूल पास कर दिया है उसका। और अभी ये जो बात है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान में यूट्यूब पे, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही है पाकिस्तान में। और ये बड़े अफसोस की बात है भाई, क्योंकि हम लोग एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, और पाकिस्तान जब बना था तो वो एक इस्लामी जमहूरियत पे बना था, और वो मुसलमान मुल्क था, और उसके पाकिस्तान का मतलब ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस हिसाब से मतलब पाकिस्तान में होने चाहिए इस्लामिक रूल्स, और ये जेंडर चेंज करना, और लड़का लड़की से शादी कर सकता है, सॉरी लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकती है, तो ये तो इस्लाम में बिल्कुल हराम और नाजायज़ काम है ना। तो ये तो इस्लाम करने की हमें इजाज़त ही नहीं देता। और भाई अफसोस है कि ना यहाँ की पॉलिटिक्स इस्लामी जमहूरिया पे चलती है, और ना ही मेन स्ट्रीम चैनल। बेसिकली मैं किसी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल को ना ही बुरा कह रहा हूँ, ना ही किसी पॉलिटिक्स को बुरा ही कह रहा हूँ, और ना ही किसी की तारीफ़ कर रहा हूँ, और ना ही किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। इस टाइम सबके अंदर ही कुछ खूबियाँ हैं और कुछ खामियाँ हैं, मुल्क के लिए अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं, तो सबके अंदर ही हैं, किसी कोई भी मतलब दूध का दुलावा नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कोरोना वायरस जब चल रहा था तो पूरे दुनिया में बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए, और मैंने पाकिस्तान में एक चीज़ नोट की कि बच्चों के 2 साल के 9th मैट्रिक के एग्ज़ाम्स माफ़ कर दिए। तो ये चीज़ भी मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आई, अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में मतलब इन्होंने माफ़ कर दिए एग्ज़ाम्स वगैरह। तो इतना इशू नहीं है, पर फिर भी पूरी दुनिया में, और इस तरीके से होता है कि पूरी दुनिया में जो भी उनकी अपनी नेशनल लैंग्वेज होती है तो वो लोग ज़्यादा उसको तरजीह देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ये चलता है कि नेशनल लैंग्वेज की जगह वो लोग इंग्लिश को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, तुर्की को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, हालाँकि उर्दू को नहीं दे रहे। तो ये भी थोड़े मेरे को ऐसा बुरा सा लगता है। ओ भाई सॉरी, बात करते करते मैं कहीं और निकल जाता हूँ, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी तलाफ़ी कर दें प्लीज़। तो भाई बात हो रही थी ट्रांसजेंडर के रूल पास होने की, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा मुल्क पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरियत है, और ये बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे, तो यहाँ पे सारे इस्लामिक कानून होने चाहिए। जैसा कि तुम सबको पता होगा, जो जो मेरे मुसलमान भाई हैं, कि इस्लाम में जेंडर चेंज करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल हराम काम है, और इसकी इजाज़त भी नहीं देता इस्लाम। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो औरत मर्द की मुतशाबहत करती है तो उस पर भी लानत है, और जो मर्द औरत जैसा बनने की या चेंज होने की, जेंडर चेंज करवाने की कोशिश करता है तो उस पर भी लानत है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है कि शैतान ने कसम खाई है कि वो इंसानों को इतना गुमराह कर देगा कि इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को चेंज करने लग जाएंगे अपनी मर्ज़ी से। तो और ये गुनाह कबीरा है जेंडर चेंज करना, तो ये इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान हमारा, और इसमें ये जेंडर वेंडर चेंज करने वाले रूल्स तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो भाई कौम लूत का तो तुम लोगों को पता ही होगा, क्योंकि कौम लूत अभी भी मेरे ख्याल से उनका शहर है, और वो अल्लाह ताला ने पूरा उल्टा दिया था, उन पे अजाब आया था, वो भी ये जेंडर चेंज करने के एक्ट वगैरह करते थे। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो मेरी नहीं है, किसी और की, वाकई की, लेकिन आप लोग जाके देखें और ज़रूर देखें। बेसिकली कौम लूत वाले जो थे वो ये करते थे कि वो भी जेंडर चेंज करते थे, ये एक्ट करते थे, तो अल्लाह ताला ने उन पे आसमान से पत्थर बरसाए, और वो पत्थर इस तरीके से बरसाए कि उनके सर से घुसे, जिस्म से क्रॉस हो गए, पाखाने की जगह से बाहर आए। तो यार ये बहुत बड़ा अल्लाह का अजाब आ जाएगा अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो, क्योंकि कौम लूत के साथ भी ऐसे ही हुआ था। और प्लीज़ ऐसा ना करें, देखें आपके चक्कर में हम भी जाएँगे। ये पिक्चर देख सकते हो कौम लूत के शहर की है, जो अभी तक वाक़ है।
मेरे प्यारे भाइयों, दूसरी बात यह है कि जिस जज ने भी ये रूल पास किया है ना, तो अगर उसको पाकिस्तान को ज़्यादा मॉडर्न बनाने का शौक़ है तो वो ऐसा करे कि बंदों को अमेरिका भेजा दे जो जेंडर चेंज करना चाहते हैं, और वो जाएं अमेरिका अपना जेंडर चेंज करवा के फिर अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं तो आएँ, वहाँ पर रहना चाहते हैं और तो वहीं रहें। और जज को अगर मॉडर्न कराने का ज़्यादा शौक़ है तो लाजमी सी बात है पासपोर्ट, वीज़ा, एरोप्लेन की फ़्लाइट सबका खर्चा जज ही भरेगा। देखो भाई, अगर हमें मॉडर्न बनना है ना तो उसके लिए हमें किसी हराम काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो हलाल में भी हो सकता है। और इसकी ज़िंदा सीधी सादी जाती मिसाल ये है कि ये मिसाल है उसकी कि आप लोगों ने टर्की को देखा है, टर्की की हिस्ट्री आप लोगों को पता होगी, सल्तनत उस्मानिया कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँची माशाल्लाह से। और भाई उन्होंने भी तो जंगें लड़ी, वो माशाल्लाह से आज देखें टर्की आज तक इस्लामिक कानून पे है, और पाकिस्तान से तो यकीन माने 1000 गुना अच्छा है। मेरे कज़न रहते हैं टर्की, आज भी इस्लामिक कानून पे है टर्की, और देखें वो भी तो मतलब मॉडर्न है, इतना काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है। तो हम हराम काम करे बगैर क्यों नहीं हो सकते मॉडर्न यार। दूसरी बात है ये मतलब पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यही सारी बात है। और आप सब अगर कर सकते हैं तो इसके खिलाफ़ बायकॉट करें। और दूसरी बात ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की आप लोगों ने किस्से सुने होंगे, तो उनके बड़े ही ख़ास किस्सों में से एक किस्सा मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। एक बार रात के 2 बजे एक वूमेन कैमल के ऊपर बैठ के जा रही थी, ऊँटनी के ऊपर, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खड़े हुए थे, तो उन्होंने कैमल की रस्सी पकड़ ली। तो वो वुमेन कहती है कि या तो उमर का इंतकाल हो गया है या तो मतलब है ना आप ही उमर हो। तो जब वो इतने सादिक़ व अमीन थे तो यार हमारे लीडर्स उनके होते हुए कोई एक वुमेन की कैमल की रस्सी नहीं पकड़ सकता था, उनके होते हुए हज़रत उमर के, और हमारे लीडर्स के होते हुए लिटरली पाकिस्तान में ये रूल आ गया है कि जेंडर चेंज करा सकते हैं जो इस्लाम में और मुसलमानों के लिए गुनाह कबीरा है। लिटरली मुझे यकीन नहीं हो रहा है। भाई मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, अब इस वीडियो को देख रहे होंगे 2 किस्म के लोग। एक लोग बोलेंगे कि यार अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, जो होंगे मम्मी डैडी बच्चे, अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, अल्लाह ताला बहुत गफूर और रहीम है, बेशक अल्लाह ताला बहुत गफूर और रहीम है भाई, लेकिन अल्लाह ताला तब माफ़ करेंगे आप लोगों को जब आप लोगों को जब ये पता है ये चीज़ गुनाह है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मना करा है, फिर भी आप लोग अगर ये गुनाह करते हो तो इसका गुनाह आपके ऊपर है, और ये गुनाह कबीरा है, ये गुनाह आपके ऊपर है। और दूसरे किस्म के लोग ऐसे देख रहे होंगे जो मेरा साथ देंगे और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करेंगे। मुझे कोई लाइक्स नहीं चाहिए, कोई व्यूज़ नहीं चाहिए। फलक, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, जेंडर चेंज करना इस्लाम में कैसा है? जेंडर चेंज करना मतलब गुनाह होता है ये बहुत। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, उन्होंने लानत भेजी थी ऐसे लोगों पर जो जेंडर चेंज करते हैं ना। ये जो जेंडर चेंज आया है पाकिस्तान में, ये कैसा है, आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत गंदा है, ये बेगरती है, बेगरती बेगरती है। हाँ। अच्छा बाबा फर्स्ट टाइम कैमरे के आगे आए। तो भाई बाबा की एग्जांपल्स मतलब बाबा से भी तुम लोगों की बात करा दी, मैंने भी तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दे दी हैं, तो समझदार हो, समझ जाओगे। तो अब मिलेंगे तुम लोगों से यार किसी बहुत मज़े के ब्लॉग में, बहुत मतलब मज़ा आने वाला है। अगर बाबा ने इजाज़त दे दी ना तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होने वाली है, हो गई तो तुम लोगों को पता लग जाएगा, नहीं हुई तो कर ली। तो खुदा हाफिज़ भाई, नए ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।